रहीम, मैं हूँ जिशान रसा और आप मेरा YouTube चैनल जिशान रसा ऑफिशियल देख रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। इजलास में जो है वो EVM यानी वोटिंग मशीन के इसरार के हवाले से जो है वज़ीर आज़म जो है उन्होंने बात की है। उनका कहना है कि आइंदा जो आम इंतखाबात होंगे उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो की जाएगी और समंदर पार रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो भी जो है वो वोट जो है वो वोटिंग का जो है वो हिस्सा होंगे और वोट जो है वो कास्ट करेंगे। और रबी अव्वल के हवाले से जो है वो बात की गई है कि पूरी कौम जो है वो ईदुल मिलादुन नबी के दिन से लेकर एक पूरा हफ्ता जो है वो कौम जो है ईदुल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मनाएगी और जश्न जो है वो मुनक्कद किए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है वो बिजली की कीमतों के हवाले से जो है वो बड़ी बात की गई है। सार्फीन जो हैं उनके लिए अच्छी खबर है और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के हवाले से जो है जो सूरत हाल है उस पर भी बात हुई है। तो तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपको जो है वो बताएंगे। तो आपसे गुजारिश ये है कि हमारे हौसला अफजाई के लिए जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मौसूल हो सके। वज़ीर आज़म इमरान खान जो है उनके ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है और ज़राए के मुताबिक जो है इस पर इजलास में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग है मशीन उस पर जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान जो है उन्होंने इसरार किया है। उनका कहना है कि 2023 में जो है आम जो इंतखाबात होंगे उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो ही होगी और बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी रहते हैं इस दफ़ा जो है वो वोट जो है वो अपना कास्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए ही वोट जो है वो कास्ट जो है वो किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान जो है उन्होंने इस बात का इसरार किया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है उस वो लाजमी होगी। 2023 के जो इलेक्शंस होंगे उसमें जो वोट जैसे पहले आप कास्ट करते हैं उस तरह नहीं, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए जो है वो वोट कास्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ इजलास में जो है वो बिजली की कीमत के हवाले से भी बात हुई है और सार्फीन के लिए खुशखबरी है कि मौसम सरमा में जो है वो 7 रुपये जो है वो कम किया जाएगा कीमत को और 7 रुपये जो है वो कम बिजली जो है फी यूनिट जो है वो चार्ज होगी। और इसके साथ साथ जो है वो रबी अव्वल के हवाले से जो है वो ईदुल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान जो है उनका कहना है कि एक हफ़्ता जो है वो मुकम्मल कौम जो है वो जश्न ईदुल मिलादुन नबी जो है वो मनाएगी। इसके साथ साथ अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर जो है वो बात की गई है, तबादला ख्याल किया गया है। अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वहाँ पर इस हवाले से जो है वो खसूसी तौर पर जो है वो गुफ्तगू की गई है और बढ़ती हुई जो महंगाई है उस हवाले से भी जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान जो है उन्होंने कहा है कि अभी भी जो महंगाई की जो शरह है वो दूसरे जो ममालिक हैं उनसे उनकी नस्बत जो है वो पाकिस्तान में बहुत कम है और इस हवाले से महंगाई की जो जो सूरत हाल है उस पर इकदामात जो हैं वो किए जा रहे हैं। महंगाई को जो है वो कंट्रोल करने के हवाले से जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इकदामात किए गए हैं। मज़ीद इस हवाले से जो है वो कोशिश जारी है कि अवाम जो है उसको रिलीफ मिल सके। अवाम को रिलीफ देने के लिए जो है वो हर इकदामात जो हैं वो किए जाएंगे। तो आज की वीडियो के हवाले से जो है वो अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मौसूल हो सके।